ज्योतिषी गलत हो सकता है, परंतु ज्योतिष गलत नहीं है। ज्योतिष एक विज्ञान है जिससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। नमस्कार। दिनांक 5 से 11 जून, दिन सोमवार से रविवार। बात करें 5 जून की तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट दिवस है, विश्व का पर्यावरण दिवस है। तो इस समय पर हम माँ प्रकृति और माँ धरती के लिए कार्य करें और हो सके तो हर व्यक्ति एक एक पेड़ लगाए। पेड़ में अगर आप पीपल, बरगद और नीम का पेड़ लगाते हैं तो यह धरती माँ के लिए भी अच्छा है और ग्रहों की स्थिति सुधारने के लिए भी अच्छा रहेगा। इसीलिए इस समय पर पेड़ लगाएं, अच्छा होगा। 7 जून को कृष्णा पिंगला संकटी चतुर्थी है। यह समय गणपति आराधन का अत्यधिक महत्वपूर्ण समय होता है। इस दिन 7 जून के दिन बुधवार भी पड़ रहा है, आप भगवान गणेश जी के मंदिर में जाएं और अगर आपके शहर, आपके क्षेत्र में कोई सिंदूरी गणेश जी हैं तो उन पर लाल सिंदूर जो हनुमान जी को अर्पित होता है वो सिंदूर चढ़ाएं, उसका अत्यधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। लड्डू का, मोदक का, प्रसाद का भोग लगाएं और थोड़ी सी दुर्वा भी गणेश जी पर यहाँ इस समय पर आप चढ़ाएं, लाभ प्राप्त होगा। 10 जून को कलाष्टमी भी है और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी है जो प्रत्येक मंथ आती है। इस समय पर भगवान लड्डू गोपाल को या भगवान कृष्ण जी को तुलसी, माखन और मिश्री का भोग लगाएं, अत्यधिक लाभप्रद होगा। तथा यदि आप कुछ देसी जो कच्ची लस्सी होती है वो बनाकर माखन और मोतीचूर के लड्डू भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं तो वो भी आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद होगा। वृषभ राशि, दिनांक 5 जून से 11 जून, दिन सोमवार से रविवार। यदि बात करें तो 11 जून जातक के लिए अत्यधिक शुभ होने वाली है, जबकि 5 और 6 जून की दो जो तारीख हैं वो ऐसी हैं जहां जातक को सावधान रहने की आवश्यकता है, जो जातक के लिए अशुभ हो सकती हैं। जातक को चाहिए यहां सावधान रहे। आइए सप्ताह के आरंभ में ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है वो जान लेते हैं। सूर्य वृषभ राशि के होकर लग्न भाव में स्थित है, मंगल और शुक्र कर्क राशि के होकर तृतीय भाव में है, केतु तुला राशि के होकर छठे भाव में विराजमान है, चंद्रमा वृश्चिक राशि के होकर सप्तम भाव में विराजमान है तथा शनि कुंभ राशि के होकर दशम भाव में विराजमान है और राहु बुध और बृहस्पति मेष राशि के होकर 12वें भाव में विराजमान है। यहां पर यह जानने की आवश्यकता है कि शनि कर्म क्षेत्र में आए हुए हैं गोचर करते हुए, जो कि आपको कार्य क्षेत्र में मेहनत के लिए प्रेरित करेंगे और आपको कार्य क्षेत्र में मेहनत के बाद ही लाभ मिलेगा। मंगल तृतीय भाव में है तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, परंतु सूर्य जो फर्स्ट हाउस में है वो भी इस पराक्रम को बल देगा तथा स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। राहु बुध और बृहस्पति 12वें हाउस में है तो थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, काम बनते बनते लास्ट मोमेंट पे जाकर अटक सकते हैं, रुक सकते हैं। जातक को यहां पर सावधानी बरतनी चाहिए तथा थोड़ा सा शहद लेकर जमादारों को, सफाई व कर्मचारियों को दान में देना चाहिए, लाभ मिलेगा। 5 और 6 जून को अष्टम चंद्रमा घातक रहेगा, झगड़े टंटे विवाद विवाद में उलझ सकते हैं, आपकी उन्नति में रुकावट आएगी, आपको मानसिक तथा शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आप किसी झंझट में फंस सकते हैं, बैठे बैठाए कोई प्रॉब्लम आ सकती है, सर दर्द, बदन दर्द, पीठ दर्द का सामना आपको करना पड़ सकता है, आप किसी भी लिहाज में थोड़ा जल्दबाजी में फैसले ले सकते हैं जिससे स्वयं को नुकसान भुगतने पड़ेंगे, सावधान रहिए। काम में लेट लतीफी हो सकती है। 7 को सरकारी विजय सूचक दिवस रहेगा, जिस काम की तलाश में थे वो काम आपको यहाँ मिल जाएगा। आप वाहन थोड़ा सावधानी से चलाएं, वाहन की दुर्घटना हो सकती है।
दिनांक 8 को समय आपके फेवर में आएगा। कार्य जो पिछले समय में हमने जो टफ टाइम बताया वहां पर थोड़ा सा होल्ड करके यहां उन कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता है। आने वाले समय के लिए आप अपनी प्लानिंग करेंगे जो प्लानिंग आपके लिए अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों का श्रम और मेहनत जो उन्होंने करी है वो सफल होगी। विद्यार्थी यहाँ ऊर्जावान व आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे, अपनी रुचि व महत्वाकांक्षाओं की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। 9, 10 और 11 को समय अच्छा रहेगा, अच्छे अच्छे लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे, संपत्ति संबंधी विवाद किसी बड़े आदमी की मध्यस्थता से हल हो जाएंगे। आप अपनी सोच पॉजिटिव रखेंगे, समय अच्छा रहेगा, सावधानी बरतने की आवश्यकता फिर भी है। लाभ प्राप्त हो सकता है, अचानक रुका हुआ पैसा आपको यहाँ आकर मिल सकता है। यहाँ पर जातक को चाहिए कि शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को सफ़ेद रंग की मिठाई बांटे या चावल की खीर बनाकर बांटे या सफ़ेद बताशे भी वो प्रसाद स्वरूप में छोटी कंजकों को 10 साल से छोटी कंजकों को खिलाए, लाभ प्राप्त होगा।